हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक जो कि लिटरली हीरा है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, कि ऐसे स्टॉक ढूंढकर भी आप लोगों को बहुत ही कम मिलेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक की अपनी खूब काबिलियत भी होती है, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ऐसे मैं हमेशा आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे कि मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या? मोनोपोली मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस रहते हैं जहाँ पे उन कंपनी के सिवा दूसरी कंपनी है ही नहीं मार्केट में। अगर है तो वो बहुत दूर है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किधर तो अपने लोकेलिटी एरिया में रहते हो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी दुकान रहेगी कि वो बहुत ही गजब की चलती है। इवन दो उसके आजू बाजू में भी वही प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारी दुकानें, बट वहाँ पे कोई जाता नहीं है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर दुकान में जाते हैं। उसी को बोलते हैं मोनोपोली। बेस्ट एग्जांपल लिए तो जियो। जियो ने जिस तरीके से अभी मोनोपोली करके रखा है, मतलब बाकी लोग वहाँ किसी अदर कस्टमर की तरफ जाते नहीं है, जियो की तरफ ही आते हैं। हम लोग इस स्टॉक वीडियो में कोई रिलायंस से रिलेटेड बात नहीं करने वाले। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे बिजनेसेस के स्टॉक अगर आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते, जो कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उस सेगमेंट में उनके आसपास कोई है ही नहीं, एंड अगर है तो वो बहुत ही दूर है, तो उस कंपनी के स्टॉक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिलती है, एंड ये एडवांटेज है। एंड इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियोस भी बनाए, एंड वो स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न भी दे रहे हैं। बट उसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, कुछ स्टॉक नए आ जाते हैं तो उनको ऐड करना पड़ता है, नया एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही 4 से 5 स्टॉक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं वापस आप लोगों को शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक खरीद लो। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं आपको ईजी करता हूँ कि ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो, एंड उसके बाद आप अपनी स्टडी करो, एंड उसके बाद डिसीजन लो कि ये स्टॉक में रहना अच्छा है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वीडियो को शुरुआत कर लेते, तो जिससे आप लोगों को समझ में आएगा उससे रिलेटेड हम लोगों को जाना पड़ेगा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो अलग अलग सेक्टर है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताए, जैसे कि फार्मा है, मेटल है, रियलिटी है, ऑटो है, बैंक्स है। तो ऐसे ही एक सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे मैं जूम करूँगा एंड आप लोगों को दिखाना चाहूँगा निफ्टी मीडिया सेक्टर। सो मीडिया सेक्टर के अगर आप दोस्तों शेयर्स देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली नाम नहीं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि स्टॉक रिटर्न कितना दे रहे हैं मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल सेक्टर दे रहा है आपको -25% के रिटर्न, एंड यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट है दोस्तों, सारे स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे आपको नेगेटिव देखेंगे, सिर्फ एक और दो को छोड़ के। यहाँ पे मैं बॉक्स कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये है 17% का पॉजिटिव रिटर्न देने वाला शेयर, एंड यहाँ पे एक है 50% का पॉजिटिव रिटर्न देने वाला शेयर। बाकी सारे के सारे शेयर अगर आप देखोगे, ये मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न दे रहे मीडिया सेक्टर में। सिर्फ ये दो स्टॉक दोस्तों ऐसे है जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे रहे। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर निफ्टी मीडिया का अगर कोई शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखता है, तो ये दो ही स्टॉक को चुना जाता है। तो यही दो स्टॉक को अगर आप भी चुनते हो और अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर बाइंग होनी है तो इन्हीं दो स्टॉक में होनी है, बाकी कौन क्यों जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये दो कौन से स्टॉक है? अगर निफ्टी मीडिया का नाम सामने आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही स्टॉक आता है जो निफ्टी 50 में भी है, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो स्टॉक यहाँ पे नहीं है, तो वो कौन से स्टॉक है, तो उनके ऊपर अभी हम लोग आ जाते इंडिविजुअली। तो सबसे पहले नाम है दोस्तों यहाँ पे PVR। PVR से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, 1200 के निचले लेवल से मैंने आप लोगों को कहा था ये स्टॉक को खरीदना चाहिए। 3 बार इस स्टॉक ने आप लोगों को मौका दिया था 1200 के रेंज में, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था तभी। सेकंड, उसके बाद ये स्टॉक 1500 तक जा चुका था, एंड बाद में वापस 1200 तक आ चुका था, क्योंकि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप लोग जो पॉपकॉर्न बेचते हो या फिर कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट बेचते हो जो 250-250 में बेचते हो, जो 10-20 रुपए की चीज़ें है, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। तो ये न्यूज़ के बाद यहाँ पे PVR में ज़ोरदार गिरावट हुई थी, 200 पॉइंट तक का करेक्शन हुआ था, बट वापस ये स्टॉक आप सभी लोगों को पता है जंप दिखाया था। एंड उसके बाद और एक ज़बरदस्त गिरावट जो कि ये स्टॉक में 1800 से सीधा 1200 के आसपास आ चुकी थी, एंड वो रीज़न ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्री की 42nd AGM, जहाँ पे रिलायंस ने कहा था कि हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप लोगों को मोबाइल के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए PVR में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला। वो वाला भी वीडियो मेरे पास है जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करूँगा, ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में। एंड आप आज देख सकते हो दोस्तों 1200 का शेयर 1800 के भी ऊपर जा चुका है, एंड बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियों ने भी इसके टारगेट 2050 तक के रख दिए। सो फिलहाल आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, 5 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। ये गिरावट दर दिखा रही है कि ये स्टॉक में बीच में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, 1800 का रेंज का स्टॉक था जो कि 1400 तक आ चुका था विद इन अ फ्यू डेज,
पाँच साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ 1600 का शेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना नीचे आ चुका था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 1200 से भी नीचे 1100 तक आ चुका था। तो ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आप, देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। सो स्टॉक ज़बरदस्त है दोस्तों, न्यूज़ के कारण इसमें गिरावट आई थी, बट ओवरऑल अभी हम लोग देख सकते जो उसकी आखिर की जर्नी है वो इसके ऑल टाइम हाई के ही करीब अभी ये चल रहा है। सो ये स्टॉक का वही एडवांटेज है दोस्तों, मोनोपोली, कोई और बिजनेस यहाँ पे है नहीं। एंड अगर और एक कोई कंपनी है तो उसका नाम है दोस्तों, वो है आइनॉक्स। आइनॉक्स भी अभी अच्छा खासा रिटर्न देना उसने शुरू कर दिया है। अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे, एक महीने का, एक साल का, पाँच साल का या फिर ऑल टाइम का, तो आप देख सकते हैं ये भी अप ट्रेंड में है। बट जिस तरीके से यहाँ पे उतार चढ़ाव है उससे हम लोग कह सकते हैं कि आइनॉक्स से बेटर ऑप्शन अगर आपके पास है तो वो पीवीआर का है, क्योंकि पीवीआर फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी खासी वहाँ पे बाइंग भी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस भी 23% तक की बाइंग हम लोग कह सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, पिछले क्वार्टर में 1200 रुपीज़ इन लैक्स के रिजल्ट थे, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 4 गुना भी हो गए। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कंपनी बहुत बढ़िया है। सो पीवीआर एंड आइनॉक्स ये दोनों शेयर अच्छे हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया सेक्टर का शेयर किसी लायक ही नहीं है कि जो आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सके। सो ये दो शेयर के ऊपर आप वॉच लिस्ट ज़रूर लग सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, वो है IRCTC। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं PSU के खिलाफ ही, देखिए दोस्तों मैं PSU के खिलाफ नहीं हूँ, मैं PSU बैंक के खिलाफ हूँ। एंड बहुत सारे कुछ ऐसे शेयर है PSU से इनके खिलाफ हूँ, बट सारा PSU सेक्टर खराब नहीं होता है। कुछ शेयर्स ऐसे जो कि अच्छे भी है, बीच में मैंने बताया था SBI लाइफ इंश्योरेंस, वो भी अच्छा खासा स्टॉक है, बट PSU बैंक ये तो खराब ही, आप सभी लोगों को पता है मैं क्या बोलूँ, कितने निगेटिव रिटर्न्स देते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि IRCTC तो ये भी, इसको भी एडवांटेज मिलता है, क्यों ये मोनोपोली है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है IRCTC जो बुकिंग होती है रेलवे टिकट्स की, कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। देखिए आप जो अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हो, पेटीएम हो या फिर बुक माई शो हो, एम इंडिकेटर हो, उसमें क्या रहता है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रहते हैं, बट ओवरऑल जो बैकएंड है वो IRCTC का ही रहता है। सो ओवरऑल जो रेवेन्यू होता है वो इन्हीं को होता है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एंड इंडियन रेलवे सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्या कि इनको कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आपने सुना है प्राइवेट रेलवे कोई चलाता है, सब इंडियन रेलवेज ही है, एक दो एक्सेप्शन हो सकते जो बीच में हुए थे, बट आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ, ये कंप्लीटली मोनोपोली एंजॉय करता है। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि IRCTC का शेयर 875 पे अभी चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेशक रहेगा वो चाहे तो इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। तो उसी के साथ साथ अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे मैं जूम करूँगा, आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जहाँ पे 31% तक की लोगों ने ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी आएंगे फर्स्ट क्वार्टर के इनके। एंड यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जहाँ पे 87% गवर्नमेंट के पास है ऐसे बोल सकते हैं, एंड पब्लिक के पास सिर्फ 12% के। सो ओवरऑल ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जो कि मोनोपोली एंजॉय करती है, क्योंकि इनके बिजनेस को टक्कर देने वाली कोई चीज़ यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों और एक स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रांग है, जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, एंड ये भी स्टॉक जैसे मैंने कहा था कि ये भी केमिकल सेक्टर से जरूर जुड़ा हुआ है, बट कुछ स्पेशल चीज़ें ऐसी है जो कि ये सिर्फ ये कंपनी अच्छी तरीके से वहाँ पे बिजनेस रन करती है। आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को नाम दिखाना चाहता हूँ तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये है इनके प्रोडक्ट, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फेविटीट है, उसी के साथ साथ होम किट वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी के साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी रहेगी, पिडिलाइट के सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि एमसील है, फेबिकॉल तो इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता है। ये सारी चीज़ें जो ये ग्लू वाले जो सेक्शन रहते हैं, इनको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि फेबिकॉल से अच्छा कोई और ब्रांड है, आपके दिमाग में नहीं आएगा, एंड अगर कोई रहेगा तो वो बहुत दूर का रहेगा। उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें देख सकते हो, फेविस्टिक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये कौन बनाती है, पिडिलाइट बनाती है, एंड इसीलिए इनके लिए एक एडवांटेज होता है, एक मोनोपोली ये इन्जॉय करती है ये कंपनी, जो कि इसका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से रन होता है। एंड वही तो नतीजा है दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट देखो, एक साल का, पाँच साल का चार्ट देखो, पाँच साल पहले तो ये स्टॉक आपको 550 में मिल जाता, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखो, तो ये समझता है दोस्तों कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छी कैसे रन करने वाला है। एंड रीज़न यही है कि इनको कॉम्पिटिटर उतना खास नहीं है। तो उसी के साथ साथ हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। तो यहाँ पे मैं जूम करूँगा, आज के दिन का थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं लगभग 40% के आसपास लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में डेटा देख लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट आप देख सकते हैं क्वार्टर वन का 28,000 था जो कि क्वार्टर टू का 32,000 हुआ। 2019 में कंपनी ने 6.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 70% की होल्डिंग शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स का गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी बहुत बड़ी है, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे इंडिविजुअल वीडियो भी बना दिए थे कि ये स्टॉक आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जिनका नज़रिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है मोनोपोली बिजनेस का। तो चलिए दोस्तों ये सारे स्टॉक हो गए एंड और एक स्टॉक लेके आता हूँ आपके सामने जिससे रिलेटेड आज भी मैंने वीडियो बनाया था, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप बोलोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे मोनोपोली एंजॉय करने को मिलती है, तो इसका जवाब देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे जो मैंने सेक्टर ओपन किया है, इंडेक्सेस ओपन किया है, वो निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्सेस ओपन किया है। अगर आप निफ्टी PSU बैंक के यहाँ पे रिटर्न्स देखोगे ना दोस्तों, तो ये सारे रिटर्न्स आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिलेंगे, A to Z सिर्फ एक रिटर्न छोड़ के, एंड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही 12.5% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न। तो यही अगर किसी को PSU बैंक रिकमेंड ही करना है तो वो आप लोगों को कोई भी एक्सपर्ट हो, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट लेके आओ, वो आपको एक ही स्टॉक बोलेगा कि अगर आपको PSU लेना ही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो। तो उसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट एंड डिटेल में वीडियो आज ही बनाया, जो अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि SBI से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बनाया, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 2020 में बहुत सारे एडवांटेज इसको मिलने वाले हैं। बट फिलहाल आप देख सकते हो, इसीलिए अगर आप सारे PSU बैंक देखोगे तो वो टूटे हुए हैं एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग चार्ट देखते तो इतनी वॉलेटिलिटी से भरा हुआ है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इस स्टॉक को नीचे आने नहीं देगी। तो उसी के साथ साथ NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, आज के दिन का परफॉर्मेंस लगभग 18% लोगों ने ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखा है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स है जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्वार्टर वन के रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट उससे भी बढ़िया है। उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न आप सभी लोगों को पता है बहुत ही अच्छा है, 50% से ज़्यादा है। सो इससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि अगर ये शेयर को अगर आपको एंटर ही करना है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि PSU बैंक में एंटर करना एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि रिटर्न उतने नहीं मिलते, तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि डिटेल वीडियो वो अभी देख लेना तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इसके डिसएडवांटेज क्या है एंड एडवांटेज क्या है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो ये भी एक मोनोपोली वाला शेयर इसीलिए क्योंकि अदर PSU बैंक अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। सो ओवरऑल ये सारे शेयर्स है दोस्तों जो कि मैंने आपके सामने रख दिए, जो कि अपने ही बिजनेसेस का क्या करते हैं, अपने सेक्टर का एडवांटेज उठा लेते हैं, क्योंकि इन सेक्टर में कोई निवेश करने आ जाता है तो सबसे पहली नज़र इन स्टॉक के ऊपर ही पड़ जाती है। तो वापस डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एंटर करो, बट आप लोगों ने ये शेयर को ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि कौन सा शेयर अच्छा है एंड कौन सा नहीं, एंड अपनी स्टडी के बाद आप डिसीजन ज़रूर ले पाओगे। सो फिलहाल वीडियो को यही रोकना चाहूँगा, आई होप आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।